अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम्स 24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए तफसीलात पर नज़र डालते हैं। पिछले 3 महीने से हमारे पूरे भारत देश में भी कोरोना का काफ़ी इम्पैक्ट है। हमारे हैदराबाद सिटी में भी काफ़ी केस आ रहे हैं और हमारे जो ऑफिसर हैं वो 24/7 ड्यूटी कर रहे और पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे पूरा मोटरसाइकिल्स, पूरा फोर व्हीलर्स पूरा सिटी में चारों तरफ घूमते हैं और तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो व्हीकल्स हैं उनका टाइम टू टाइम डिसइंफेक्शन होता रहे, जिससे जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं और हमारे जो बाकी ऑफिसर्स हैं जो उस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं उनको व्हीकल के द्वारा कोई डिसइंफेक्शन ना आए। तो इसी के संदर्भ में आज हमारे ये क्राफ्ट एजेंसी, हैदराबाद की एजेंसी जिनके पास बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा आज हमारे हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के 154 व्हीलर्स और 250 टू व्हीलर्स को डिसइंफेक्ट किया गया एंड बहुत प्रेशर से इसका जो है इम्पैक्ट गिरता है और 99.9% इमीडिएट का इसका रिजल्ट आता है और इसका इफेक्ट भी काफ़ी दिनों तक रहता है। और क्राफ्ट मैनेजमेंट ने हमें प्रॉमिस किया कि 1-2 हफ्ते के बाद अगेन दे विल डू इट। सो मैं हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्राफ्ट मैनेजमेंट का सबका धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके मीडिया द्वारा मैं सबको, शहरवासियों को, हैदराबाद के सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी कोरोना जो है अभी काफ़ी फैल रहा है तो इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ सावधानियां बरतें। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मास्क पहनें और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, टाइम टू टाइम हाथ अपना साफ़ करते रहें और बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और कोई भी गैदरिंग ना होने दें, क्योंकि अभी तक पिछले जो 6 महीने से वर्ल्ड ओवर जो भी कोरोना के ऊपर जो स्टडी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा यही सामने निकल के आया है कि जहाँ जहाँ भी 5-10 लोगों का गैदरिंग हुआ है वहाँ से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला है। तो ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि हम अननेसेसरी गैदरिंग ना होने दें और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। थैंक यू। जय हिंद।